अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के इस वीडियो में मैं जो है तहसीब बेकरी के जो है कुछ बिस्किट्स और स्वीट्स आपसे शेयर करने वाली हूँ। ये देख लें, ये जो है तहसीब बेकरी की है, ये मिठाई है, ये कुछ इस तरह से है। ठीक है, ये मैं आपको खोल के दिखाने वाली हूँ। तो जो है ये खताई बिस्किट है, ठीक है, इसमें आलमंड वगैरह भी पाया जाता है। ठीक है, ये कोकोनट है, कुकीज़ हैं। ठीक है, तो जो है सबसे पहले मैं आपको ये वाली ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने तीनों को ओपन कर दिया है। ये जो नान खताई हैं, ये कुछ इस फॉर्म में हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इसका बॉक्स है। ठीक है, ये जो कोकोनट कुकीज़ हैं, वो कुछ इस फॉर्म में हैं। ठीक है, ये देख लें, ये इस तरह से बॉक्स के फॉर्म में हैं, ये वाले जो हैं। और ये जो है स्वीट्स, ये देख लें आप, ये भी बड़ी मज़ेदार की हैं। ये देखिए, कुछ ये इस तरह से थी, मैंने इसको ओपन कर दिया, मतलब फाड़ ही दिया। खैर कोई बात नहीं, तो जो है ये बड़े अच्छे अच्छे हैं। ठीक है, ये मैंने सोचा कि क्यों ना आपसे शेयर कर लूँ इनका रिव्यू। वैसे तो मैं कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही, ये वैसे ही मैंने मंगवाए थे, तो सोचा अपने व्यूवर से शेयर कर लेती हूँ। ठीक है, और कोई मेरा कोई इस तरह से फेक नहीं था मकसद। ठीक है, ये मुझे जो है ना, ये देखिए कुछ इस फॉर्म में है, और ये जो है मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए। ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में है, ये देखिए, ये सारी ये आप देख सकते हैं, बड़ी टेस्टी सी हैं। ये देखिए, फ्लफी फ्लफी से बड़े ही टेस्टी हैं, ये देखिए। ठीक है, काफ़ी शीरा लगा हुआ, मैं आपको ये भी ओपन करके दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को टेंशन ना रहे कि एक चीज़ हमें ओपन करके दिखा दी। मैं नीचे दिखा देती हूँ, ये सारी इसी तरह के पीसीज हैं, ये देखिए, बड़े मज़े के हैं, मतलब इनकी स्वीट्स अच्छी है। ये दोनों भी ओपन करके दिखा रही हूँ। ठीक है, ये देख लें, इसको मैंने ओपन कर दिया है, इनकी पैकिंग जो है वो मैंने उतार दी है, इनको भी मैंने ओपन कर दिया। ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ निकाल के, ये देखिए, ये यकीन कर लें, इसके अंदर ये प्योर कोकोनट के बने हैं। ठीक है, ये मैंने एक बाइट लेके देखी, यकीन करें बहुत ही टेस्टी हैं, बहुत लजीज लग रहे हैं। आप इसने किसी भी चाय के साथ, ठीक है, तो जैसे अब सर्दियां हैं तो आप चाय के साथ ये यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही लजीज हैं, और प्योर देसी घी में ये तैयार किए गए हैं। और मैं अगर इनको दिखाऊं तो ये कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, नान खताई जो है, ठीक है, ये सारे ही मेरा ख्याल ऐसे हैं। ठीक है, ये देखिए, इनकी लुक भी मैंने आपको दिखा दी है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 पीसीज हैं। ठीक है, छोटे वाले बॉक्स में, और इसमें ये आप देख सकते हैं, ये इतना सारा है, और ये सारे ही फ्लफी से ऐसे हैं, क्रिस्पी से ना, आप लोगों को इनकी शक्ल नज़र आ रही है, ये कुछ इस फॉर्म में है। ठीक है, ये देखिए, ये सारे ही ऐसे हैं। ठीक है, तो ये देख, ये स्वीट्स बहुत मज़े की हैं, मीन के तीनों चीज़ें मज़े की हैं आपके सामने, नान खताई भी बहुत मज़े के हैं। ठीक है, ये आप जब मंगवा के टेस्ट करेंगे तभी आपको अंदाज़ा होगा, अभी तो बहरहाल मैं ही कह रही हूँ। तो ये मैंने एक बाइट, ये मैंने पहली बार खाए हैं, मैंने इससे पहले नहीं खाए थे, तो बहुत ही अच्छे लगे मुझे तो। ठीक है, ये आप चाय के साथ खा के देखें, और ये इनकी स्वीट मुझे बहुत अच्छी लगी है यार, ये आप देखें किस तरह से उन्होंने डिज़ाइनिंग की है। ठीक है, यम्मी, मैं एक बाइट ले रही हूँ,
बहुत मज़ेदार है। मज़ा आ गया इनको खा के तो। मैं आपको खाना हमने शौक दिखा देती हूँ। मैं चाह रही थी जिसपे मैंने बाइट किया वही मुझे मिल जाए। ये देखिए सारे को थोड़ा कोकोनट है, बहुत यम्मी है। आओ भी मंगवा के ट्राई करिएगा अगर आपका दिल चाहे तो। खैर मैंने अपने तीनों शेयर कर दिए आपसे, नान खाई। अब मैंने ये दो टेस्ट किए हैं तो मेरा मोड नहीं है इनको टेस्ट करने का। बाकी जो है ये भी बहुत मज़े के होते हैं। जिन लोगों को नान खटाई पसंद है वो ये यूज़ कर सकते हैं, जिनको फ्लेवर में कोकोनट वगैरह पसंद है तो वो ये यूज़ कर लें। अदरवाइज ये स्वीट तो बहुत ही लजीज है। ठीक है चलें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरी ये आज की वीडियो स्वीट्स के ऊपर आपको कैसी लगी। ये जो मैंने नान खटाई और ये सारे स्वीट्स जो हैं आपसे शेयर की, ठीक है, ये तहजीब बेकरी की बनाई गई हैं। आप किसी भी बेकरी की यूज़ कर लें बट इसमें कोई वो नहीं है। मैंने आपको इनके नाम वगैरह मेंशन कर दिए हैं। चलें ठीक है, मुझे दें इजाज़त। ओके अल्लाह हाफिज़।